वेलकम बैक टू माई चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं एंड विल स्टडी अबाउट मीडियन। दैट इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक कि मीडियन क्या होता है। सिंपल है, मीडियन यानी मिडल, मिडल मोस्ट वैल्यू, कि आप जो मिडल में वैल्यू देख रहे हैं वही मीडियन है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, 4 and 5, तो मीडियन क्या होगा? यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ऑब्वियसली 4 इज द मीडियन। एंड मीडियन इज डिनोटेड बाई M, कैपिटल M से डिनोट करते हैं मीडियन को। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मीन के बारे में कि मीन क्या होता है, ठीक है। स्टेटिस्टिक का एक टॉपिक है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में मीन डिस्कस हो गया, अभी मीडियन डिस्कस करेंगे। अब मीडियन में अगर आपको लार्ज डेटा दिया, यहाँ तो 3, 4, 5 है, आपने आसानी से मीडियन ढूंढ लिया। अब अगर डेटा कुछ ऐसा दिया है कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इस तरह से डेटा दिया है, तो उस केस में आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ भी आप बोलेंगे बहुत सिंपल है सर, यहाँ से दो नंबर साइड किए, यहाँ से दो साइड किए और मिल गया 6 इज द मीडियन। यस, तो ये तो सिंपल तरीका हो गया। अगर 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उसको ऐसे कर लेंगे, बट अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है तो आपको फॉर्मूला के साथ उसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमको सबसे पहले उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। क्या? स्टेप 1 इज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर इफ इट इज नॉट अरेंज। बट यहाँ आप देख रहे डेटा अरेंज फॉर्म में है, अगर अरेंज नहीं होता तो मैं उसको अरेंज करता। अरेंज करने के बाद चेक करिए कि n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, हाउ मैनी ऑब्जर्वेशंस यू आर हैविंग। सो n की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 5, n की वैल्यू मिल गई 5। और 5 इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है कि m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, हम चेक करते हैं, ऐसे ही तो हम ढूंढ चुके हैं मीडियन, बट फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कैसे मीडियन मिलेगा और क्या मिलेगा, लेट्स चेक इट आउट। सो n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 तो ऑब्जर्वेशन, सो इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन। यहां पे मिस्टेक नहीं करनी है आपको, क्या कि आप m की वैल्यू अगर सोच लेते हैं कि m इक्वल टू 3 मिल जाएगा इसको सॉल्व करने से, तो आप गलती कर रहे हैं, यू आर मेकिंग द मिस्टेक। सो ऐसे सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है और बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो होगा वो आपका मीडियन होगा। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यस, तो 6, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 6, तो m इक्वल टू यानी मीडियन इक्वल टू मिल जाएगा हमको क्या 6 मिल जाएगा। तो अगर डेटा ऑड है तो बहुत ही सिंपल और इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या मीडियन। मीडियन यानी एक ही चीज़ माइंड में रखनी है, सेंट्रल वैल्यू, जो सेंटर पे है वो। लेकिन अब डेटा में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल कि डेटा जब इवन होगा उस केस में क्या करेंगे। और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा क्या, यस, हमने पढ़ा कि डेटा दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ग्रुप डेटा, एक तो अनग्रुप डेटा। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो जाके देख लीजिए। और बच्चों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें मिल जाएगी, यहीं से, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अभी हमने देख लिया, 3, 4, 5 को भी रफ कर देते हैं, ये तो हो गया हमारा मीडियन, ठीक है, मिडल वैल्यू। नाउ द डेटा इज 7, 5, 9, 4, 2, 8, 10, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इज ए ऑड नंबर, सो इवन कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो डेटा दिया, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे डेटा अरेंज नहीं है, तो स्टेप 1 क्या होगा कि स्टेप 1 इज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। बिफोर सॉल्विंग यू मस्ट अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर।
सो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इन ऑब्जर्वेशंस को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करते ही क्या मिलेगा हमको, 2, 4, वी हैव डन 2, 4, देन 5, देन 7, देन 8, 9, 10 एंड 12। अब देखिए डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अरेंज करने के बाद चेक करना है कि n की वैल्यू क्या है, तो n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8 और 8 इज एन इवन नंबर। अब जब डेटा इवन होगा तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मीडियन, और मीडियन को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, तीन चीज़ें हैं देखिए यहाँ पे, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो मीन को हमने डिनोट किया X बार से, मीडियन को M से, और मोड को हम डिनोट करेंगे Z से। ठीक है, तीनों का फर्स्ट बिगिनिंग लेटर M है, इसीलिए हमने कुछ डिफरेंस रखने के लिए इसका अलग अलग डिनोट किया है। ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर इट केयरफुली। ओके, सो मीडियन इक्वल टू एम, एम इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यस एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बिना फॉर्मूला के भी हम ढूंढ सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में कि अगर वन मार्क में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में आता है और एकदम फास्ट करना है, विथ स्पीड करना है तो कैसे करेंगे, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। सो पहले फॉर्मूला से देख लेते हैं, एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th observation divided by, पूरे के डिवाइड में भी 2 आएगा, यहाँ 2 है, पूरे के डिवाइड में भी 2 आएगा। ठीक है, सो n by 2th observation, n की वैल्यू क्या है 8, 8 by 2 यानी 4th observation। ठीक है, प्लस n by 2 यानी 4th, 4 plus 1 5th observation, 5th observation divided by 2। अब फोर्थ नंबर पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे 7 है। ठीक है, अब अगर आपने डेटा को अरेंज नहीं किया होता असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या होता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ नंबर पे 4 है यहाँ पे और यहाँ 7 है, तो इसीलिए डेटा को अरेंज करना नहीं भूलिएगा, डोंट फॉरगेट इट, फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इनको क्या करना है, प्लस करना है, तो 7 + 8 डिवाइड बाई 2, 7 + 8 क्या हो गया, 15 हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा था, अगर हम इसको बिना फॉर्मूला के करते, ठीक है ना, तो आपने पहले तो 3 नंबर यहाँ से साइड कर दिए, 3 नंबर यहाँ से साइड कर दिए, अब आपके पास 2 नंबर बीच में बच रहे हैं, और ऑड डेटा में क्या होता है कि आप आसानी से 3-3 नंबर साइड करेंगे 6 और बीच में एक नंबर बच जाएगा, मीडियन मिल जाएगा, बट यहाँ पे 2 नंबर्स बचे हैं क्योंकि डेटा इवन है, अगर इसको और इसको भी साइड करते हैं तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, तो जब 2 नंबर्स बचेंगे तो क्या करना है, सिंपल, अगर फास्ट और ईजी करना है तो जितने भी नंबर्स हो इक्वल नंबर्स को साइड कर दीजिए, सेंटर पर जो 2 नंबर्स बचेंगे उनको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या करो उनको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, ये सिंपल ट्रिक हो जाएगी, 7 + 8 15, 15 डिवाइड बाई 2 7.5 आ गया, और 7 और 8 के बीच में क्या आएगा, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, मीडियन, मीडियन यानी क्या कि मिडल वैल्यू, मिडल पे क्या आ रहा है, तो 7 और 8 के बीच में ऑब्वियसली 7.5 आएगा, 7.5 आएगा, 7 और 8 के बीच में 7.5, 7.5, और वही हमारा मीडियन है। ओके गाइस, सो बाय डूइंग दिस फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, वी कैन फाइंड आउट द मीडियन इजीली, एंड मीडियन इज मिडल मोस्ट वैल्यू। सो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, मीडियन के बारे में, और मीडियन जो हमने फाइंड किया है अभी यहाँ पे वो कौन से डेटा का है, यस अनग्रुप डेटा का, क्योंकि आपने डेटा के बारे में तो पढ़ ही लिया, डेटा क्या होता है, ग्रुप होता है, अनग्रुप होता है, तो अनग्रुप डेटा का मीडियन ढूंढने का ये बेसिक फॉर्मूला है। बट अगर डेटा ग्रुप डेटा आएगा तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, जब मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगा और फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखेंगे, और वहां पे हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।